शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम्हारी बीवी ना फिल्म की हीरोइन से कम नहीं। आज सुबह तो गला फाड़ फाड़ के रोई जा रही थी अपनी बहन के जाने पे, और अब देखो उसके साथ ही मजे किए जा रही है। कैसी बीवी है तुम्हारी? तुमने ऐसा क्यों किया श्रद्धा? अबे इसमें श्रद्धा की कोई आप जैसा समझ रहे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस यहां पर ले भाई ठंडा पी, ठंडा रहे, मस्त रहे। अच्छी पार्टी थी कीर्ति, फिर कभी करते हैं। अभी रात बहुत हो गई है, चलते हैं। अरे सुनो, कहाँ कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे अभी तो मजा आना शुरू हुआ था, कहाँ जा रहे हो? बाहर वालों को क्या दोष दूँ श्रद्धा, जब समस्या की असली जड़ तुम हो। अबे श्रद्धा की, तू तो मेरे मुंह मत लगा। सही कहा था मैंने, अपनी बीवी का पालतू कुत्ता है तू, जो उसके आगे पीछे बस नाचता घूमता है। आज तेरी वजह से पूरी दुनिया हंस रही है हम पे। हमारी इज्जत के झंडे गाड़े हैं तूने पूरे कानपुर में। तू ये सब क्या बातें कर रहा है अबे? तू मेरी बात, बीवी की वीडियो पूरे कानपुर में वायरल हो रही है, इसके सामने तो तेरा जुबान खुलती नहीं है। कम से कम उस वीडियो को तो रोक ले सबके सामने आने से। सोशल मीडिया पे जा, उस वीडियो को ढूंढ और रोक उसे। नहीं तो ना तेरे साथ साथ तेरे परिवार की भी इज्जत नहीं बचेगी। मुझे अच्छे से आता है इन लोगों से डील कैसे करना है। तुम हमारे ही घर में हमें धमकी दे रहे हो? मुझे तुमसे मुंह ही नहीं लगना है। और तुम, तुम्हारी गलती ये है कि तुम गलत लोगों की बातों में आके गलत फैसले लेती हो।
तभी तुम यहाँ आ गई ना आज। अरे ऐसे लोग सिर्फ मुसीबत देते हैं, इनसे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा तुम्हारे लिए। अभय तुम्हारी औकात नहीं है हमें कुछ बोलने की, हमारे सामने हमारे घर में खड़े होके हमें सुना रहे, भला हो हमारा कि हम तुम्हें अभी तक घर से बाहर नहीं निकाले, समझे? बस कीर्ति, बहुत सुना चुकी है तू और मैं बहुत कुछ सुन चुकी हूँ। अब तूने एक शब्द अगर मेरे पति के खिलाफ कहा है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदू, आप पे भरोसा करके अपना जेवर मंगवाया। आप दोनों ना हमारे घर से अभी के अभी बाहर निकलिए। निकल जाओ हमारे घर से। श्रद्धा एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, आज के बाद इस घर की दहलीज पे कदम नहीं रखोगी तुम। हमसे इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। भाभी रिश्ता ही ऐसा है ना, बड़ी बहन चली गई जेवर के बहाने छोटी बहन के यहाँ पर, अब दोनों बैठ के वहां मजे काट रही है और यहाँ कानपुर में हमारी नाक कटवा दी। अरे बहन का भूत जो चढ़ गया उसके सर पे, देखिएगा हमारा अभय सब निकाल देगा। हाँ हमारा ऐसा खुद से कुछ भी सोच लेना ठीक नहीं है। श्रद्धा आएंगी ना, वो खुद बता देंगी कि क्या हुआ था। लो आ गई हमारे घर की इज्जत। मेरा मतलब श्रद्धा भाभी। ने ठान लिया है क्या कि पूरे शहर में त्रिपाठी खानदान की नाक कटवा के ही रहोगी? मम्मी जी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैं वो सब बताने की ना तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी प्यारी बहन के टॉक टॉक में हम सब लोग सब कुछ देख चुके हैं। और अब क्या ऐसे भोली सूरत बनाए खड़ी हो? वहाँ तो बड़ी बोतलों से बतियाए रही थी। नहीं बुआ जी, जैसा आप समझ रही है वो पूरा सच नहीं है। श्रद्धा अपने कमरे में जाओ। मैं तो बस इनको, मैंने बोला ना अपने कमरे में जाओ। जी आपको ना हमेशा हमने अपनी माँ जैसा समझा, मम्मी पापा ताया ताई आप, कई संस्कार है हमें, आपने ऐसे संस्कार नहीं दिए जिसमें दूसरों का सच जाने बिना ही उन पे इल्जाम लगा देते हैं। अभय आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो मम्मी आप ही हमेशा कहती हैं श्रद्धा कीर्ति के एकदम उलट है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती, फिर भी आपने उससे ऐसे बात की। कीर्ति के दोस्तों ने श्रद्धा से बदला लेने के लिए बीच महफिल में उसे नचाया, क्योंकि श्रद्धा ने इस घर की खुशी के लिए कीर्ति को सबक सिखाया। उसके दोस्तों को सुबह सुबह आरती पर बुलाया, क्या इसमें भी श्रद्धा का कसूर है?
मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूँ, आपके मन में जो भी सवाल हो, इल्जाम लगाने से पहले वो सवाल पूछिए, उसका सच जानिए, क्योंकि सवालों की बारिश तले ना अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।